my son-in-law, Lalit Pal, he retired as president of one of the topmost fertilizer companies owned by Agro India and has started his own business. His job is to cement the whole educationists together. I'm grateful to all of you ladies and gentlemen for giving me this time, and I pray for your long life and a great prosperous 2020. Let me remind you that India has won 4 2020 and hopefully will win 2020 today also. Have a great future and a happy 2020 years ahead. Thank you. Without wasting much of your time, I'd like to invite Shri Jayan Sahasrabuddhiji to deliver the keynote address of the day 2 of this international seminar on ancient wisdom, civilizational antiquities and the present day world. But before we deliver his talk, I request all the scholars who are here to present their papers to kindly give their names, to please come out for 2 minutes, kindly give their names. Those who have to present papers today, they have to start off immediately, so kindly meet me outside. Genji. Respected scholars who are present over here in this August gathering, and participants who have gathered over here from different corners of the world. So at the outset, I offer my pranams to all of you. The topic which has been chosen for this conference is a truly inspiring as well as very much important today. I am going to talk about the ancient wisdom and modern cosmology. I am Dr. Babli Arun, Assistant Professor, Government PG College, Badalpur. Tumko dekha, tu ye khayal aaya. Tumko dekha, tu ye khayal aaya. Zindagi dhoop, tum ghana saaya. Tumko dekha, tu ye khayal aaya. Tum chale jaoge to sochenge. Tum chale jaoge to sochenge. Humne kya khoya, humne kya paya. Humne kya khoya, humne kya paya. Zindagi dhoop, tum ghana saaya. Tumko dekha, tu ye khayal aaya. Aaj phir dil ne ek tamanna ki. Aaj phir dil ne ek tamanna ki. Aaj phir dil ko humne samjhaya. Aaj phir dil ko humne samjhaya. Zindagi dhoop, tum ghana saaya. Tumko dekha, tu ye khayal aaya.
नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। हम लोग यहाँ पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, जहाँ पर एंशियन विजडम के बारे में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। एंशियन भारत के बारे में बताया जा रहा है कि भारत की फ़िलॉसफी क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी बातें समाज बताया जा रहा है बच्चों को और सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको। तो हमारे साथ अभी है पी के यादव जी, जो डीन है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के ही, और उनसे हम लोग बातें करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य क्या है और इसको आयोजन करने के पीछे क्या रहस्य है? ये एंशियंट विजडम जो हिंदुस्तान में था, वो बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज का था। वो साइंस, स्पिरिचुअल, ये सारे बहुत ही डेवलप्ड थे, मतलब स्टेज पे। और मतलब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था कि जो भी, अब जैसे गैलीलियो ने जो वेस्टर्न जब ये आया तो इन्होंने कहा कि भाई कि ज़मीन है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। ये इस बात का हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के जो वेदों में पहले ही व्याख्यान हो चुका है। तो अब जीरो हिंदुस्तान ने ही दिया, समझे, भारत के ही देन है जीरो, समझे। जो एस्ट्रोनॉमिकल डेवलपमेंट जो पहले थे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थे, वो सब सबसे यहीं से मतलब डेवलप हुआ यहाँ से। और अब हिंदुस्तान तो अपने उसके लिए जाना जाता है, यहाँ पर मसाले जो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे हिंदुस्तान में, ये ट्रेड और मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, सिल्क रूट, समझे, ये सब जगह चाइना और इधर यूरोप की तरफ, और मेसोपोटामिया जिनको ईरान, इराक, ये सब मूवमेंट होता था, मतलब ट्रेड ये बहुत डेवलप्ड था ये पूरा चक्कर। और ये फर्दर, ये तो बाद में क्योंकि मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ तब काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, लेकिन जो इंटेलेक्ट है द बुद्धिजीवी है और ये हमेशा डेवलप ही होता रहा, मतलब चीज़ें घटती बढ़ती रहीं। लेकिन आज के जो आप हिंदुस्तान देखें और पहले का देखें, पहले बहुत रिच था हर एक मामले में, समझे, हाँ, ज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। अब वो हम दोबारा फिर प्राप्त कर रहे हैं उसी को, और हिंदुस्तान एक विश्वगुरु होगा। हाँ, पी के यादव सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि भारत का जो एंशियंट है हिस्ट्री है वो बहुत ही अहम नॉलेज हम सभी को देता है। और आज हम लोग जो बीच में ये जो चीज़ें आ गई हैं जिसके वजह से हम लोग पीछे, जैसे कि चीज़ें, नई चीज़ें हम लोग खोज में जो है, रिसर्च में हर बार जो है कहीं ना कहीं चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो इंडियन कल्चर को फिर से प्रमोट करने का, इंडियन की हेरिटेज को बताने का पूरा ये प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से बातें करके। और मैं चाहूँगा कि पी के यादव सर अपने बारे में बताइए, अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए, और आपका इस जगह पे कैसे आना हुआ? मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट का, डीन रिसर्च एंड प्लानिंग हूँ, डीन इंजीनियरिंग में हूँ, इसी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। तो हिसाब से जो है ये गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी हर एक मामले में कल्चरली, सोशली, ज्ञान विज्ञान के हिसाब से बहुत डेवलप्ड यूनिवर्सिटी है, और गौतम बुद्ध जी के नाम पर है। तो आपने देखा होगा यहाँ इंटरनेशनल छात्र भी बहुत पढ़ते हैं, करीब 200 छात्र अलग अलग देशों से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझे। और टोटल स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स की करीब 5000 है, मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बेसिक साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, ये सारे एरियाज हैं यहाँ पर जिनमें स्टूडेंट्स जो हैं काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, समझे, और बहुत से यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हाँ, करीब 10 करोड़ के रिसर्च प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं यहाँ पर, जो MHRD ने दिए हैं, UGC ने दिए हैं, DST ने दिए हैं, CSIR ने दिए हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से, समझे, बहुत अनुसंधान चल रहा है, मतलब लेटेस्ट एरियाज जो है उनमें वर्क चल रहा है।
चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया यूनिवर्सिटी के बारे में। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा नॉलेज आपने बताया कि यहाँ पर इतने सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं जिसके पर काम हो रहा है और बच्चे और सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और ये इस बीच में जो इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने का है, इंडियन हिस्ट्री को बताने का, ये भी एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप हर साल आयोजन करते हैं। और मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे हमारी सभी लिसनर और दर्शकों को। देखिए, हम आजकल मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों को जो अपने रिच हेरिटेज है, जहाँ से हम आए हैं, उसका सभी को बहुत ज्ञान होना चाहिए, समझे, और वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, समझे। हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान 5000 साल से ज़्यादा पुरानी सभ्यता है, समझे, जो कि ग्रीक वाले अपने आप को कहते हैं कि हम भी उतने ही हैं, समझे। हाँ, लेकिन बहुत सारे लेख जो हैं इंडियन ओरिजिन के, वो ग्रीक में भी पाए गए हैं, तो इस मतलब अपनी सभ्यता बहुत पुरानी है, समझे। हाँ, और पूरे विश्व में भारतवर्ष ने एक दिशा दी है। पुराने ज़माने में तो हमेशा ही एक बहुत बड़ी, मतलब एक तरह के जो मार्गदर्शन रहा है इसका, समझे, और अभी चल रहा है, समझे, और भविष्य में, समझे, वी हैव ए ग्लोरियस फ्यूचर, समझे। मतलब भारत का विश्वगुरु होने का जो मामला है, जो चल रहा है, वो जरूर वी आर गोइंग टू हैव इट, समझे। पी के यादव सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके और बहुत खुशी हुआ कि भारत के बारे में आप लोगों को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का जो हेरिटेज है, पुराना जो हिस्ट्री है, उसके बारे में आप बता रहे हैं, और भारत सचमुच में जो विश्व गुरु था और आगे भी रहेगा। और जो चीज़ें हमने देखी कि भारत के बारे में आप जैसे एक भाव लेकर आप अपने शब्दों को बता रहे थे कि भारत में जो भी कुछ चीज़ें था, भारत एक मार्गदर्शक रहा पूरे विश्व के लिए, और जितने भी राष्ट्र बने हुए हैं, जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, उन सभी को कहीं ना कहीं भारत से एक अंजलि मिली हुई है, ज्ञान का प्रकाश मिला हुआ है, वहाँ से उनका जो है उद्यम हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM करियर ऑप्शन। इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज शनिवार है और शनिवार में हम लोग करियर ऑप्शन इस प्रोग्राम में कुछ नई बातें लेकर आपसे जुड़ते हैं। और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष बलराम जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे करियर इन एजुकेशन के बारे में। तो आप सभी की तरफ से बलराम सर का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, एजुकेशन जो अगर एज ए करियर देखा जाए तो शायद मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट करियर है आज के डेट में। और इसका प्री प्राइमरी लेवल से हायर एजुकेशन तक के बच्चे अपने करियर एजुकेशन में बना सकते हैं। टीचर्स के लिए अलग अलग स्टेज के अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, जिससे प्री प्राइमरी के लिए आप NTT कोर्स होता है, उसे आप कर सकते हैं। इसमें आप नर्सरी में, क्रिस में और किंडरगार्टन स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। फिर प्राइमरी एजुकेशन के लिए आपको ग्रेजुएशन के अलावा PTC या DLED बोलते हैं प्रोग्राम, NCT की तरफ से, आजकल उसका नाम बदल के DLED हो गया है। तो DLED का प्रोग्राम होता है 2 साल का, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है वो, उसे आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी नियुक्ति गवर्नमेंट प्राइवेट हर सेक्टर पे प्राइमरी स्कूल के लिए हो सकती है। इसके अलावा अगर आप TGT मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस BEd की ज़रूरत होती है। प्रेजेंट टाइम BEd 2 साल का है। इसे करने के बाद आप माध्यमिक शिक्षा बन सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो लेक्चररशिप बोला जाता है, उसके लिए PGT बोला जाता है बाकी जगह। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन MA MSc MEd प्लस BEd करना होता है। इसके बाद आप केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली बोर्ड के स्कूल या अपने स्टेट के भी जो है, या प्राइवेट कहीं भी आप अपना करियर एज ए लेक्चरर इन एजुकेशन बना सकते हैं। अगर इसके ऊपर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता
एजुकेशन विषय में या एम एजुकेशन या एम एड दोनों फील्ड से लोग आते हैं इसमें 55% मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा यूजीसी या जो भी अलग अलग टाइम में कराते हैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम उसे क्लियर करना होता है। इसके बाद आपकी नियुक्ति एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकती है, फिर आप बीएड, एमएड, पीएचडी तक अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा एज ए काउंसलर भी आप नियुक्ति पा सकते हैं, जगह जगह काउंसलर के रूप में वैकेंसी आती है, दिल्ली में आती है और भी जगह जगह पे। उसके लिए साइड में करियर काउंसलिंग का एक डिप्लोमा होता है, बीएड के अलावा आप करियर काउंसलिंग का एक डिप्लोमा कर सकते हैं और इसके बाद आप अपना एज ए काउंसलर नियुक्ति पा सकते हैं। जी बलराम सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एजुकेशन फील्ड में हम लोग अपना करियर बना सकते हैं और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं, ये आपने बताया। और आइए फिर से मैं उन्हें बलराम सर से जोड़ना चाहूँगा। बलराम सर, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे एजुकेशन फील्ड में आए, ये आपकी हिस्ट्री क्या है? मैं यूपी में एक प्रयागराज, जब नाम बदल गया है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और शुरुआत में मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का था, मेरे पिताजी किसान थे और छोटे से गांव से आता हूँ मैं। तो शुरुआत में रुझान हमारे गांव में लोग मिलिट्री में जाते थे, ज़्यादातर लोग मिलिट्री में चले जाते थे। तो जब मैं 14 साल का था तो मैं केवल मिलिट्री में जाना पसंद करता था कि भाई चलो मैं एज ए कांस्टेबल, एज ए एयरफोर्स में टेक्नीसियन, इस टाइप से। मैं 98 में एयरफोर्स में टेक्निकल एयरमैन सेलेक्ट भी हुआ था, जिससे मैं कारगिल हो गया था। तो कारगिल होने की वजह से हम लोग की वैकेंसी बाद में, मतलब सिलेक्शन होने के बाद उसे फिर सरकार ने हटा दिया, नहीं कराया। उसके बाद मैं SSC वगैरह में ट्राई किया, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और दोस्तों के साथ आया। उसके बाद फिर मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA कर रहा था तो मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाह रहा था, मैं उसमें करियर का भी प्रयास भी किया। फिर उसके बाद वहाँ अगर देखने बाद मुझे लगा कि चलो टीचिंग बढ़िया है, तो फिर मैं BEd MEd किया, MPhil किया, PhD किया और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2007 विज्ञापन में सिलेक्ट होकर 2013 से मैं गवर्नमेंट PG कॉलेज बादलपुर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हूँ और प्रेजेंट टाइम हेड ऑफ डिपार्टमेंट का भी चार्ज मेरे पास है, मैं उसे बखूबी निभा रहा हूँ। अभी एज ए ऑर्गेनाइजेस कमेटी में एज ए मेंबर मैं इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जिसमें मैं GBU में बैठा हूँ और अन्य मैं कई विश्वविद्यालय में परीक्षा के तौर पे भी जाता हूँ और कई जगह जो है लेक्चर, गेस्ट लेक्चर भी बुलाया जाता हूँ। और मैं अपने जॉब से और अपने इस करियर से बहुत ही संतुष्ट फील करता हूँ। मुझे खुशी होती है कि एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट मैं आज भी शिक्षा से जुड़ा हुआ। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को बहुत खुशी हो रहा होगा कि एजुकेशन फील्ड में आप अगर जाना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। स्काई इज़ द लिमिट है यहाँ पर, मतलब आप जितना आगे बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, लेकिन बशर्त यही है कि आप प्रॉपर वे से टेक्निकली और मेंटली और फिज़िकली फ़िट हो और सब चीज़ें अच्छी तरह से आप समझ के आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूँगा कि बलराम सर, संगीत के साथ आपका कैसा रिश्ता है और कौन से गाने आप पसंद करते हैं, एक आध गाना जो आपको याद आ रहा है अभी इस वक्त, तो एक गाने के बारे में बताइए। नहीं, गाने तो सबको, संगीत साहित्य कला भी इन्हें कहा जाता है ना, संगीत तो सबके लिए बेस्ट है। और कहा भी जाता है कि हमारा एक मस्तिष्क का एक भाग जो है संगीत के साथ ही वो डेवलप होता है, तो संगीत तो हर आदमी के लिए ज़रूरी है। लेकिन यह है कि आज के सबके कंठ इस तरह नहीं होते कि वो हर आदमी जो है संगीत को गा सके, गुनगुन, लेकिन गुनगुना हर आदमी सकता है और चाहिए भी और इंजॉय भी करना चाहिए। साहित्य और संगीत जो विषय होते हैं एक सिर्फ जीवन को प्रफुल्लित करने के लिए होते हैं और हमेशा इसका आदमी को क्लासिकल हो चाहे जो भी संगीत हो, सब इसको जब आदमी खुश होता है तो उसे, और संगीत या गाने जो हमारे होते हैं वो जब हमारे भावों से जुड़ जाते हैं हमें अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं कि जो गाना मुझे अच्छा लगता हो आपको लगे, आपको जो लग मुझे लगे, तो अगर लेकिन उसके भाव अगर मेरे साथ जुड़ेंगे तो ज़रूर हमें अच्छा लगेगा। और चाहे वो हमारे राष्ट्रीयता से संबंधित गाने हों, देशभक्ति के गाने हों, या हमारे बचपन के तमाम इवेंट के गाने होते हैं, कुछ प्यार मोहब्बत के भी गाने होते हैं, हर आदमी जिसको जो
स्टेज होती है, स्टेज के वाइज हिसाब से कुछ उम्र के बाद जो है पुराने गाने अच्छे लगते हैं, नए बच्चों को नए गाने अच्छे लगते हैं, तो टाइम टू टाइम ये डिफर करता है। और जब भी मौका मिले संगीत का हमेशा आनंद उठाना चाहिए और हमेशा संगीत साहित्य कला से हमेशा जुड़े रहिए। क्योंकि जो आपको अभी याद आ रहा है उसके बारे में, अभी तो मुझे कोई गीत नहीं याद आ पा रहा है, लेकिन एक वो है चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला छूटा राही चल अकेला। मैं चाहूँगा ये जो है ये प्रेरणा देता है हमें कि अगर कोई नहीं आपके साथ है तो आप अकेले चलिए, और जब आप चलेंगे तो लोग आपके साथ आते जाएंगे। अकेला मैं चला था और धीरे धीरे कारवा बनता गया। बलराम जी, बहुत ही प्यारा संगीत आपने याद कराया, आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं, उसके बाद फिर से बलराम जी से मैं जोड़ना चाहूँगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। ये फिर से मैं शिक्षा क्षेत्र के बारे में बातें चल रही थी, करियर इन एजुकेशन फील्ड के बारे में बातें हो रही थी, शिक्षा क्षेत्र में कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं इस विषय के बारे में बातें चल रही थी। तो एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए कौन से टिप्स होने चाहिए, किस तरह का बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आप बाई चॉइस आइए, अपनी इच्छा से आइए, किसी दबाव में या इस तरह नहीं आइए कि आपको और विकल्प नहीं मिल रहा है इसलिए हम टीचर बने, क्योंकि उसके बाद क्या होगा आपको दिक्कत आएगी। तो अगर आप बाई चॉइस आते हैं तो आप इस प्रोफेसर का आनंददायक दम और अपने को जो है संतुष्ट पाएंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन महत्वपूर्ण है। और ट्रेनिंग और स्किल की जहां बात है वहां मैं बताना चाहूँगा, प्री सर्विस के लिए हमें गवर्नमेंट फील्ड या प्राइवेट जहां भी हम अपना करियर बनाना चाहते हों उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, उसके सिलेक्शन के लिए, उसके इंटरव्यू के लिए। उसमें प्री सर्विस में क्या होता है कि हमें जो हमारी योग्यता होती है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या पीएचडी हो, उसके संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उसके संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हमें लगातार पढ़ना पड़ता है और उसमें हमें कहीं ना कहीं मास्टरी हासिल करनी पड़ती है। और ये भी देखना पड़ता है कि पुराने जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB बोर्ड, UP बोर्ड या MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जहां भी हम अपना अप्लाई कर रहे हैं, हमें पहले के पेपर को एक बार देखना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमेशा किताबें जो पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, कभी भी बाज़ार में सस्ती पत्रिकाएँ न लें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ऑथेंटिक नॉलेज नहीं रहती है, चीज़ें बस जल्दी जल्दी छाप भी जाती हैं मार्केट में, लोगों के ज़्यादातर उनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है, और एक बार कोई चीज़ आपके दिमाग में गलत फीड हो गई तो बार बार इस जब अनकॉन्शियस माइंड में रहती है तो कभी कभी क्या होता है जब वो क्वेश्चन हम करते हैं तो वो गलत चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें हमेशा रेफरेंस बुक या अच्छी किताबें मार्केट से और शॉर्टकट से बचना चाहिए। शॉर्टकट जो होता है वो जीवन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है। हमेशा सही रास्ते चलिए और मेहनत पे विश्वास करिए। और अगर आप एक बार नौकरी में आ गए, इन सर्विस आए, तो अपने को अपडेट हमेशा रखें, लगातार जुड़े रहिए दुनिया से, अपने ज्ञान से, और दो चीज़ें आप में हो, एक तो नॉलेज हो और उसके बाद आप अपने जो नॉलेज है उसे अच्छे संग से कम्युनिकेट कर पाएँ, बच्चों को अच्छा बता पाएँ, और आपका समर्पण, ये सब चीज़ें आपको लगातार एक अच्छे टीचर की ओर अग्रसर करेगा। और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और आप एक अच्छे टीचर बने और मेहनत करें। चलिए बलराम साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शिक्षा क्षेत्र के बारे में, और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र करियर के बारे में अगर सोच रहे हैं तो शिक्षा क्षेत्र में आपका वेलकम है, लेकिन बात यही है कि आप बाय चॉइस आइए, डिफ़ॉल्ट मत आइए, किसी ने कहा या फिर ऐसा लगा कि कोई और चीज़ आपको जम नहीं रहा है इसलिए आप शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्ती आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा चीज़ आपके साथ ना हो, क्योंकि इसमें फिर आपको ज़िंदगी भर एक अंदर से जो है मन जो है आपका खाता रहेगा। इसीलिए किसी भी कार्य को करना है, किसी भी कार्य क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपको जाना है तो बाय चॉइस आप जाइए तो आपका जीवन जो है सफल होगा। तो बहुत ही प्यारा सा मैसेज, और शिक्षा क्षेत्र के बारे में आपने बहुत सारी बातें बलराम सर से सुना, तो बलराम सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़कर अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त किया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपने हमें मौका दिया, आपने हमें मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने हमें सुना, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं सर।
थैंक यू सर। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल इसी वादे के साथ। तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम नमस्ते, खम्मा गनीसा, सुनते रहो, मुस्कराते रहो।